अंदाज में बात भी करते हैं कि बिल्कुल बड़े भाई जैसे हमसे रहते हैं। इनसे पहली मुलाकात हमारी फ़ोन के ज़रिए से हुई थी, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल मेरे घर के हैं। तो सर नहीं बोल के मैं भाई से करूँगा कि असरान भाई का शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कुछ इजहार ख्याल का, और खूबसूरत बच्चे और बच्चों के यहाँ आकर कुछ कहने का। जब आप लोगों को देखता हूँ तो मैं अपने घर के बच्चों को याद करता हूँ। मेरे घर में भी इसी तरह से छोटी छोटी बच्चियाँ और इसी तरह हमारे भतीजे हैं, उनको भी मैं मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। कोरोना के दौरान जो चीज़ दो साल में नहीं हो सकता था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। कुरान पाक मुकम्मल नाजरा और इसी तरह से कुछ पारे हिफ्ज हमने कराए, उनके लिए हमने टाइम रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, बल्कि हमेशा हमारा शेड्यूल होता था। ऑनलाइन क्लास हमारी चलती थी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ही से। जैसे हमारी क्लास खत्म होती थी अब अपने घर के बच्चों को शुक्रिया। इसके साथ फिर आगे मैं इस शेर के साथ अगले वक्ता को यहाँ पर मैं दावत देना चाहूँगा कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा। वो जो आया शहर में तो शहर भी अच्छा लगा। इस शेर के साथ मैं सुफियान सर को मधु करना चाहूँगा कि आप आएँ और अपने